हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप अपने यूट्यूब चैनल पीके स्टडी नंबर वन पे। तो दोस्तों, आज देखिए, आज आप लोगों को बताने वाले हैं सब्जियों के में नाप तोल कैसे करते हैं और उसका दाम कैसे निकालते हैं। तो आइए, आज हम सीखते हैं बेसिक तौर से। चलिए हम करते हैं वीडियो को शुरू। तो देखिए दोस्तों, नंबर वन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 50 ग्राम मिर्चा का दाम 8 रुपया है, तो 1 केजी का दाम कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि जान लीजिएगा कि 50 ग्राम मिर्चा की दाम कितना रुपया है। तो कितना रुपया है भाई? 8 रुपया जान लेना है, 8 रुपया। ठीक है, जब 8 इतना हो गया तो इधर कर देंगे क्या होगा कि 50 गुना 2 कर देंगे तो आपका 100 ग्राम का दाम निकल जाएगा। निकल जाएगा ना, 100 ग्राम के दाम निकल जाएगा, तो इधर भी 2 गुना कर देना है। तो 100 ग्राम की दाम कितना हो गया दोस्तों? 100 ग्राम की दाम आपका हो गया 16 रुपया। कितना हो गया? 16 रुपया। ठीक है, जब 16 रुपया हो गया दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, इधर 100 ग्राम के दाम निकल गया 16 रुपया, तो अब यहाँ क्या करेंगे कि 100 में कर देंगे 10 गुना। ठीक है, तो 100 ग्राम मिर्चा का दाम कितना हो जाएगा? 100 ग्राम मिर्चा का दाम 16 रुपया, और 100 गुना 10 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? अब इधर 100 16 है, इधर भी 10 कर देंगे। ठीक है, कर दिए, तो 100 गुना 10 करेंगे तो कितना हो गया दोस्तों? 1000। 1000 ग्राम मिर्चा का दाम कितना हो गया भाई? 16 गुनी 10 कर देंगे तो 160 रुपये। कितना? 160 रुपये होगा ना दोस्तों। तो अब हम जानते हैं कि 1000 ग्राम बराबर कितना होता है? 1 केजी। कितना केजी? 1 केजी, याद रखिएगा। ठीक है, तो वही आपका हो जाएगा 1 केजी। 1 केजी बोल रहा था, है ना? तो 1 केजी, तो 1 केजी मिर्चा के दाम निकाल सकते हैं आसानी से। मिर्चा का दाम बराबर 160 रुपया हो गया। तो समझ में आ गया दोस्तों, तो एक लाइक बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 1 केजी टमाटर का दाम, ठीक है, 40 रुपया, तो 5 केजी 450 ग्राम का दाम निकल रहा है। ठीक है, कितना होगा? तो देखिए, मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए दोस्तों क्या कर रहा है कि 1 केजी, तो यहाँ लिख देंगे 1 केजी, 1 केजी टमाटर का दाम कितना रुपया? 40 रुपया। ठीक है, 40 रुपया। जब इतना है 40 रुपया, तो निकालना है 5 केजी, है ना? तो 5 केजी कैसे निकालेंगे भाई? तो आप सबसे पहले कर लीजिए, 1 केजी में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम बराबर 40 रुपया, है ना? 40 रुपया हो गया। अब यहाँ निकालेंगे क्या? 100 ग्राम के दाम। ठीक है, तो जब 100 ग्राम के दाम निकालेंगे तो 100 ग्राम निकालेंगे, तो 100 ग्राम के दाम निकालने के लिए क्या होगा? देखिए आप क्या करेंगे, 10 इसमें है तो इसमें 10 बटा में चलेगा। क्यों? कि 100 गुना 10 करेंगे ना, तो 1000 होगा, तो 10 चलाएगा बटा में, आपका निकल गया कितना? 4। 100 ग्राम की दाम 4 रुपया निकला। ठीक है, अब 50 ग्राम के करेंगे तो क्या करेंगे कि 50 ग्राम के जब करेंगे तो 50 ग्राम की दाम कितना हो जाएगा? 50 ग्राम की दाम इसका आधा हो गया, तो इसका भी आधा 2 रुपया हो जाएगा। कितना? 2 रुपये। ठीक है, अब यहाँ क्या कर रहा था मालूम चल गया, तब 5 केजी कर रहा है, 5 केजी 450 ग्राम। ठीक है, तो 5 केजी का दाम कितना हो गया? 5 गुना कितना कर लेंगे? 40। 5 गुना 40 प्लस, अब यहाँ 450 है, तो 450 मतलब 4 गुना 100 ग्राम कर लेंगे, तो 100 ग्राम के दाम कितना? 4 रुपये। ठीक है, प्लस अब क्या करेंगे, 50 ग्राम है तो 50 ग्राम की दाम प्लस कर लेंगे 2 रुपये। कितना? 2 रुपये। ठीक है, समझ में आ गया?
अब यहाँ क्या करेंगे कि 5 चौक 20 आपका हो गया 200 रुपया इधर, और 4 चौक 16 और 2 कितना हो गया 18 रुपया। इसका मतलब आपका हो गया 218 रुपया आपका आंसर हो गया। 5 केजी 450 ग्राम का दाम 218 रुपया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा देखिए क्या कह रहा है कि 1 केजी आलू का दाम 20 रुपया है, तो 2 केजी 600 ग्राम का दाम कितना होगा। है ना दोस्तों, है ना वीडियो कमाल का, तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इसमें देख लेंगे कि 1 केजी, 1 केजी आलू, आलू का दाम कितना हो गया भाई 20 रुपया। कितना रुपया 20 रुपया। ठीक है, जब 20 रुपया 1 केजी के दाम हो गया तो 600 ग्राम बोल रहा है, तो ग्राम निकाल लेंगे पहले। तो क्या करेंगे भाई, तो 1 केजी में कितना ग्राम, 1000 ग्राम। आलू के दाम कितना हो गया 20 रुपया। अभी क्या करेंगे कि 100 ग्राम के दाम निकालेंगे, तो 100 गुना तो 10 लिख सकते हैं ना, 100 गुना 10 1000। तो आलू का 1000 आलू का दाम कितना हो गया 20 रुपया। तो यहाँ निकालेंगे 100 ग्राम, 100 ग्राम आलू का दाम। जब 100 ग्राम आलू का दाम निकालने के लिए क्या होगा, जब गुना में रहे तो बटा में चला जाएगा। ठीक है, तो 10 बटा में चल जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। तो आपका निकल गया 100 ग्राम आलू का दाम 2 रुपया। कितना हो गया 2 रुपया। ठीक है दोस्तों, अब जब 100 ग्राम के आलू का दाम निकल गया तो आसानी से आप निकाल सकते हैं 2 केजी 600 ग्राम आलू के दाम, आलू का दाम। तो आइए दोस्तों इसमें जानते हैं 2 केजी, तो 2 केजी है तो 2 केजी 1 केजी का दाम कितना हो गया 20 रुपया। 2 गुना 20 लिख देंगे, प्लस 600 ग्राम है तो 6 गुना 100 ग्राम के दाम कितना निकला 2 रुपया। तो यहाँ क्या कर लेंगे दोस्तों, 20 दुनी 40 प्लस 6 दुनी 12, 40 और 12 कितना हो जाता है दोस्तों 52 रुपया। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह का मजेदार वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को हद से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों।